नमस्ते भैया। नमस्ते। ये लो चाय। थैंक यू। गीत, ये लो तुम्हारी चाय। पिंटू, ये लो चाय। क्या बोला तूने? पिंटू? अरे छोटा भाई हूँ क्या तेरा? भैया बोल, नहीं तो सर बोल मेरे को। आई समझ, अपनी औकात में रह के बात करा करो। चाय वाला है, अपनी औकात में रह। अरे भैया क्यों गुस्सा कर रहे हो, चाय पी लो गर्मा गर्म। अब आया ना लाइन पे और ऐसे ही तमीज से बात करा कर। चल यहाँ से। गीत, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को ना एक दो दिन के लिए 500 रुपए की जरूरत है। मेरे को दे दो, मैं एक दो दिन में वापसी दे दूंगा। अरे भैया आपको तो पता है कि मेरी तो सैलरी भी नहीं आई है, आप ना कहीं और से एडजस्ट कर लो, मेरे पास नहीं है। चलो ठीक है। अरे भैया मैं दे देता हूँ आपको 500 रुपए, मेरे पास है। लेन देन करेगा मेरे से तू? एक चाय वाला इतने बड़े शोरूम के दुकानदार से लेन देन करेगा? वाह तुम्हारी यार हिम्मत भी कैसे हो जाती है ये बोलने की। आज तो तू 500 रुपए दे देगा मेरे को और फिर 2-4 हजार रुपए मांगने आ जाएगा। अरे सब जानता हूँ मैं तुम जैसे गरीबों को, मेरे को पता है तुम्हारी औकात। चल यहाँ से। और तेरे को पता है लेन देन ना बराबर वालों में होता है, ठीक है? छोटे बड़े का लिहाज भी रखा करो। चल यहाँ से। अरे भैया क्यों गुस्सा हो रहे हो, मेरे पास तो 500 रुपए थे, मैंने सोचा कि आपके काम आ जाएंगे, आपको जरूरत भी है। अरे प्यार से समझ नहीं आ रही क्या तेरे को? बहुत तरीके हैं फिर मेरे पास समझाने के, चला जा प्यार से। कोई नहीं भैया आप गुस्सा मत करो, मैं चला ही जाता हूँ। लेन देन करेंगे चाय वाले। पुनीत इधर आओ दोनों। हाँ जी भैया। क्या बोल रहे थे इसको? अरे भैया मैंने 500 रुपए इससे मांगे हैं, वो बीच में बोल रहा है मेरे से ले लो। अब चाय वाले से लेन देन करूंगा क्या मैं? और आज अगर इससे 500 रुपए मैंने ले भी लिए, कल को ये 2-4 हजार रुपए मांगेगा। मैं सब जानता हूँ इन गरीबों को। मतलब तुम जज कर रहे हो उसको पैसे से, उसके काम से, तो तुम्हारी लेवल का नहीं है। ये शोरूम है तुम्हारा है? नहीं तो। या तुम जॉब करते हो यहाँ पर? जॉब करते हो ना? कितनी सैलरी तुम्हारी? 10 हजार रुपये। 10 हजार? और तुम्हें मालूम है वो चाय वाला दिन में कितने कमा लेता है? वो एक दिन में 10 हजार रुपये कमा लेता है। क्या होता है ये छोटा बड़ा, हम उसको काम से जज करेंगे? अगर काम से जज करेंगे ना तो तुम्हारी औकात उसके आगे कुछ नहीं है। और पैसे में? पैसे में तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, फिर तुम्हारी नजर में उसकी औकात छोटी कैसे? तुम उसका लेवल तुम्हारी नजरों में छोटा कैसे? अरे बिल ग्रेट भी ना आज के दौर में चाय वालों के पास आके, ऐसे चाय वालों के पास आके चाय पी के जाते हैं दुनिया का जो अमीर आदमी, रईस आदमी, सिर्फ उसके काम की वजह से। कोई आप जैसे शोरूम वालों के पास आके ना स्पेशल नहीं आता दुनिया का कोई स्पेशल आदमी। आते तो ऐसे लोगों के पास आते हैं जिनके पास है ना अपनी कमाने की कला होती है, अपने परिवार को चलाने की कला होती है। तुम्हारी तरह सिर्फ बात बनाने की कला नहीं होती। वो चाय वाला है ये उसकी गलती है? वो अपना घर चला रहा है इस चाय बेच बेच के, वो उसकी गलती है? तुम तो इस शोरूम पे आके सिर्फ नौकरी कर रहे हो और तुमने समझा कि तुम इस दुकान के मालिक हो गए। अब मैं यही औकात तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, इस शोरूम का अगर मैं मालिक बन गया तो मेरे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। मुझे ये याद रखना चाहिए कि मैं भी इंसान हूं और वो भी इंसान है। मैं तुमसे गलत कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता ना, मुझे ध्यान रखना चाहिए ना हर चीज का। मैं ऐसी बात क्यों बोलूं कि किसी को बुरी लगे, किसी के दिल का ठेस पहुंचे? लेकिन तुम तो सोचते नहीं, यहां पर काम करके तुमने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया है, जीवन में कोई तरक्की नहीं कर ली है। पहले भी तो सेलमैन थे, आज भी सेलमैन हो, जीवन में कुछ कर लो ना जब ऐसा बोलना। सॉरी भैया, आगे से किसी से भी ना ऐसे गलत नहीं बोलूंगा मैं, सोच समझ के ही बोलूंगा भैया। और अब ये चाय वाला भी आएगा ना, इससे भी माफ़ी मांग लूंगा भैया। चलो अच्छी बात है, थोड़े को अगर ज़्यादा समझ लो ना वो अच्छा होता है, भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। चलो करो काम।